तो पावर बीआई की डेटा कनेक्टिविटी के चैप्टर में हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर फोल्डर से डेटा कैसे लेके आए। जैसे मेरे ड्राइव में एक फोल्डर है, फोल्डर में कई सारे फाइल्स हैं। अब इन फाइलों में डेटा का टाइप, हेडिंग वगैरह सेम है, पर डेटा अलग अलग फाइल के टुकड़ों में। अब मुझे इसके ऊपर एनालिसिस करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको कंपाइल करना नहीं चाहता हूं। ऐसा हो सकता है ये फाइल किसी और सॉफ्टवेयर से लिंक हो और ये अपने आप को अपडेट करता हो। इन शॉर्ट, मुझे एक कंपाइल फाइल नहीं बनानी है जिसमें सबको कॉपी पेस्ट करें। हमें पावर बीआई के अंदर ही इसको करना है। अच्छा, वैसे ये कंपाइल फाइल फाइल सॉरी है जी। सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वैसे अगर मेरे पास 5 एक्सेल की फाइलें हैं तो वो बिना मैक्रो के कंपाइल हो जाएंगी? हाँ, पावर क्यूरी से हो जाएगा। अच्छा जो ठीक मेथड है, मैं बता रहा हूँ, ये मेथड आपका एक्सेल पे भी वर्क करता है। जी, थैंक यू, बस ये क्लियर करना था। तो हम जाएंगे एक्सेल में। अब प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे फाइलें जो है आपकी 5 हो सकती है या 50 भी हो सकती है। तो हम एक-एक करके ना करेंगे, हम पूरी की पूरी फोल्डर को करेंगे। तो यहाँ फाइल वाले सेक्शन में देखेंगे, फोल्डर आपको दिखेगा। इस फोल्डर पे क्लिक करें और कनेक्ट पे क्लिक करें। उसके बाद आपसे पूछेगा फोल्डर पाथ, तो ब्राउज करके आप अपना पाथ सेलेक्ट कर लें, या आपने कॉपी पेस्ट कर रखा है तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्राउज कर लेता हूं। और उसके बाद जस्ट ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करते ही जहां पे आपको नॉर्मली डेटा दिखता था, उस सीट में आपको पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ फाइल दिख रही है। अब मैं इसी को लोड पे क्लिक कर दिया तो क्या होगा, ये जो आपको विजुअल है ना, सेम फोल्डर फाइल डेटा आपका डाउनलोड, आपका इंपोर्ट हो जाएगा पावर बीआई में। बट मुझे इसके अंदर की डेटा चाहिए, तो आपको इसी से पहले स्टार्टिंग में कंबाइन का ऑप्शन आ रहा होगा। अब मैं कंबाइन एंड लोड, दो चीज, कंबाइन ट्रांसफॉर्म और कंबाइन एंड लोड है। तो फिलहाल ट्रांसफॉर्म मतलब कि हमने पावर क्यूरी को नहीं पढ़ा है, तो मैं ट्रांसफॉर्म को छोड़ता हूं और लोड पे चलता हूं। लोड पे जब आएंगे तो आप यहां देखेंगे कि आपके यहां पे लिखा आएगा फर्स्ट फाइल, बट आपके पास सारे लिस्ट ऑफ फाइल दिखेंगे। अब यहां पे एक चीज और आता है कि सपोज अगर आपके डेटा में मान लीजिए कि 6 फाइलें हैं, उसमें से कुछ ऐसे फाइल होंगे जिसमें कुछ कॉलम नहीं होंगे या किसी में एक्स्ट्रा कॉलम होंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि आप जिस फाइल को सिलेक्ट करेंगे उस फाइल के कॉलम के अकॉर्डिंग सबका डेटा लेके चला जाएगा। जैसे फाइल 1 में अगर 6 कॉलम है और फाइल 2 में 7 है, फाइल 3 में 6 है, फाइल 4 में 8 है, तो वो फाइल 3 और फाइल 4 में जो एक्स्ट्रा कॉलम है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वो 6 कॉलम हेडिंग के अकॉर्डिंग मैच करके ला देगा। सो आपको कनेक्ट करने से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका कॉलम जो है किस फाइल के अंदर कॉलम पूरी की पूरी पर्याप्त है, मतलब कि जो कॉलम आपको चाहिए, जिसे कॉलम चाहिए, वो सारे के सारे किस फाइल के अंदर अवेलेबल है। जिस फाइल के अंदर अवेलेबल है उस फाइल को आप सिलेक्ट करें, सीट को सिलेक्ट करें और फिर इसको ओके करें। ओके करते ही 6 फाइलों के साथ ये डेटा लिंक होना शुरू हो जाए। अब इसके डेटा डेटा व्यू पे जाएंगे, डेटा को देखेंगे, तो यहाँ पे आपका सोर्स नेम और बाकी डेटा आ जाएगा। बस इसमें प्रॉब्लम यही है कि आपको आपका जो सी कॉलम नेम है वो कॉलम नेम बिल्कुल सेम स्पेलिंग के साथ सब में होना चाहिए। अगर सेम स्पेलिंग के साथ सब में नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसका क्या सॉल्यूशन ये देगा? वो कॉलम छोड़ देगा जो नहीं मैच करेगा। नहीं, अगर हमारी हर फाइल में कॉलम तो चाहिए लेकिन 2 के नाम बदले हुए हैं तब क्या बदले हुए करेगा? नाम नहीं लेगा, नहीं बताया आपको मैंने, जो आप फर्स्ट फाइल सिलेक्ट किए हैं ना, उस फाइल के अंदर जो कॉलम नेम है और जितने कॉलम है उसी नेम के अकॉर्डिंग वो बाकी फाइल से डेटा उठाएगा। बाकी फाइल में जो क्या है क्या नहीं उससे कोई लेना देना उसको नहीं है।
बस ये देखेगा कि नेम कॉलन है नेम उठा देगा, जैन कॉलम है जैन कॉलम उठा देगा, वहां पर अगर जनवरी हुआ तो कंसीडर नहीं करेगा। अच्छा, डेट फॉर्मेट में भी कंसीडर नहीं करेगा, जी डेट फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे हैं, आपको मतलब ठीक है, सेम मतलब एग्जैक्ट एग्जैक्ट होना चाहिए। एग्जैक्ट होना चाहिए। तो वो तो फिर सिस्टम की अगर डंप है तो ही वो एग्जैक्ट होंगे, क्योंकि मैनुअल क्रिएशंस में तो कहीं ना कहीं हम, ऑटोमेशन जो होता है कंडीशन पे होता है ना सर, वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि ये जैन और जनवरी में, या पूजा और पूजा सिंह में, सेल्स और सेल्स डेटा में, क्वांटिटी एंड नंबर्स में, समझ गया ना। तो उसको ऐसा नहीं कर सकते कि जो यूनिक कॉलम है उसको ये हेडर में एडिशनल कॉलम क्रिएट कर दे उसके। नहीं वो पहले का अकॉर्डिंग करता है सर, आपको ये देखना पड़ेगा कि करना है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, इसमें उतना डिटेल में नहीं गया हूं, बट यू कैन ट्राई। आप अलग अलग तरह से डेटा को लगा के देखिएगा, आपको रिजल्ट उसका पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है ठीक है सर। राहुल जी, हाँ जी, ठीक है सर। आप ट्राई कीजिएगा, पर तरीका बिल्कुल सेम है जो मैंने बताया आपको। चलिए तो इसमें मुझे 1 मिनट, ये कैसे पता चलेगा कि मेरा अगर मेरा जैसे मंथ वाइज अगर मेरे मंथ यहाँ पे कितने सोर्स मंथ का दिया वो हुआ है है? ना सर, किस फाइल से डेटा उसने कॉपी किया है वो सोर्स नेम दिया हुआ है। अच्छा, वो सोर्स नेम वो कॉपी में दे देगा यहाँ पे। ठीक ठीक है है, ठीक है। क्या सोर्स में वो मेरे को डेट भी देगा? नहीं, सोर्स नेम में आपके सिर्फ फाइल का नेम आएगा, नहीं, जैसे मेरे पास लास्ट 6 मंथ का फाइल है, ठीक है, उनमें हेडर मेरा फाइल समथिंग का नेम समथिंग होगा सर, जो फाइल का नेम होगा वो सोर्स नेम में आएगा, और जो सीट के अंदर डेटा का हेडिंग होगा वो डेटा पे आएगा। जो ठीक है। हेडिंग मैच करेगा उसी का डेटा लेगा, जो हेडिंग मैच नहीं करेगा उसका डेटा नहीं लेगा। फाइल वन की जो आपने जो फाइल सेलेक्ट किया है, उस फाइल के अंदर जितने भी हीडर होंगे वही हीडर के अकॉर्डिंग डेटा लेके आएगा। सिंपल, ठीक ओके आगे है, ठीक है सर। बढ़े। तो हमने गेट डेटा में आपके साथ फाइल के ऊपर डिस्कशन किया, इसमें कुछ और चीजें भी है क्योंकि तो फाइल हमें पास है नहीं, इसलिए उसको हमने स्किप कर दिया, जैसे कि एक्सएमएल हो गया, जेसन हो गया, ये आपका पैराक्यूट हो गया, शेयर पॉइंट फोल्डर्स हो गए, ये चीजें हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, बट आपके पास अवेलेबल है, आप ट्राई कीजिएगा, अगर कुछ सपोर्ट की जरूरत होगी तो मुझसे मांग लीजिएगा। ठीक है बात करते हैं डेटाबेस। अब डेटाबेस, अब देखिए डेटाबेस दो तरह के डेटाबेसेज है, एक है जो ऑफलाइन चलते हैं, एक जो ऑनलाइन चलते हैं। बात सर, ऑफलाइन मतलब कि जिसका आपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है, भले ऑनलाइन कनेक्टेड है बट यू हैव इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। दूसरा ठीक है। होता है वेब डेटाबेस, आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर रखा है, वेब ब्राउजर के जरिए उसको आप एक्सेस करते हैं, तो वो चीजें आपको डेटाबेसेस में नहीं दिखाई देंगी, क्या वो चीजें? डेटाबेसेस में नहीं दिखाई देंगी, डेटाबेस वाले सेक्शन में। ठीक है, अब यहां पे जैसे एसक्यूएल सर्वर डेटाबेसेस आपका इन सक्सेस है, एसक्यूएल सर्वर को लेते हैं, तो एसक्यूएल सर्वर अगर करते हैं तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा आपके सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको पता करनी है कि आपका सर्वर है तो सर्वर का नेम क्या है और डेटाबेस नेम क्या है, उस डेटाबेस से किस टेबल से डेटा आपको लेना है, तीन इंफॉर्मेशन को चाहिए। तो वो तो पूरी क्वेरी लिखनी पड़ेगी ना डेटाबेस में तो। क्वेरी क्वेरी तो लिख ही सकते हैं आप, बजाय क्वेरी लिखे भी आप ले सकते हैं। एक मिनट, मैंने इसको सब ओपन किया, क्वेरी तो आप यहां से लिख सकते हैं ना, सॉरी जब आप इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट, इसमें ब्लैंक क्वेरी दिख रहा है, ब्लैंक क्वेरी में आप यहाँ पे अपना क्वेरी जो लिखना चाहे लिखिए, ठीक है आपका इंपोर्ट। ये पावर बी आई मैनेज खुल गया, तो मेरा जो सर्वर नेम है वो क्या है, IPT SQL Express, तो मैं यहां पे SQL सर्वर पे क्लिक किया,
सीधा। अब मुझे ये उसका ऑप्शन नेम पता नहीं, इसमें आता है इंपोर्ट करना है या डायरेक्ट क्यूरी रन करना है। इस चीजों के बारे में हम आगे बताएंगे, फिलहाल तो मुझे सिर्फ इंपोर्ट करना है। अगर आपके पास कोई क्यूरी कमांड है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिलहाल हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब इसमें दो चीजें पूछता है कि आपका अकाउंट क्या है, मतलब आपको लॉगिन करना पड़ेगा ना। लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें दो चीजें हैं। अगर आपके पास कोई नेम है, डेटाबेस नेम वगैरह है तो डालिए, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लिंक है तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कीजिए, विंडोज है तो यूज माई करेंट क्रेडेंस कर रहा है जो आपका सिस्टम लॉग है, क्योंकि आप देखेंगे मेरे डेटाबेस वाले में यहाँ पे दिया हुआ है ऑथोराइजेशन विंडोज, ठीक है, जो कोई आईडी पासवर्ड नहीं है। देन हमने इसको कनेक्ट किया। ओके अब इसके अंदर में आईपीटी के अंदर में दो डेटाबेस, यहाँ पे डेटाबेस है एयूजी अगस्त और आपका डीटी नाम से। डीटी के अंदर कोई टेबल नहीं है, आप देखेंगे मेरे अंदर मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो मैं कुछ दिन पहले इसको सब इंस्टॉल किया है ना सर, इसलिए कुछ है नहीं, इसलिए कोई बैच चल भी नहीं रही है। डेटाबेसेस एयूजी टेबल्स यहाँ पे सेल्स, ठीक है, डीटी डेटाबेस क्रिएटेड है बट इसके अंदर कोई टेबल नहीं। इसके अंदर सेल्स का टेबल है, सेल्स को सिलेक्ट किया और सेल्स का डेटा आपके सामने दिख रहा है, सिलेक्ट किया एंड लोड, ठीक है, एक मिनट क्लिक करेंगे सेल्स पे। हाँ अभी आ रहा है, ये आ गया है से। हाँ आ गया सर। नहीं ये तो डेटा का है, सेल्स का नहीं आया, सेल्स का नीचे है। तो स्लो हो गया सर, आ गया। अब क्यूरी में करके कैंसिल कर दिया था इसलिए यहाँ पे आ गया, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते फ्रॉम मॉडल, हट जाएगा, ठीक है सर जी। सेल्स और दोनों आ गए, दोनों एक ही तरह का डेटा है। अब आपके पास अगर कोई इसकी क्यूरी वगैरह लिखते हैं तो वो भी चीज दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट 400 कर देता हूँ तो ये आपको दिख रहा है ना सर। अच्छा ऑटोमेटिक क्यूरी भी बन, हाँ तो क्यूरी वहां पे लिखेंगे तो हो जाएंगे, ये भी लिखना आपको सिखाऊंगा आगे क्लास में, ठीक है। उसी तरह से अगर आपके पास MS Access में डेटा है तो आप MS Access से भी डेटा लेके आ सकते हैं। तो इन सब में MS Access और इसमें सर्वर डेट वगैरह पे क्लैश नहीं करता है ये? नहीं, क्योंकि मैंने कभी MS Access और ये सब चलाया नहीं है, बट मुझे मुझे जो पता है MS Access की यूज कब होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई डेटाबेस है। अब एक्सेल की एक कैपेसिटी है ना कि एक कैपेसिटी के बाद एक्सेल अपना काम नहीं कर पाता है ना। अब उस कैपेसिटी के बाद अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है जो कि तकरीबन 6-7-8 लाख का डेटा है, 15 लाख का डेटा है, 20 लाख का डेटा है, उसको तो एक्सेल पर रखना मुश्किल हो जाएगा ना सर। अब तो होता ही है, आप इस डेटा के लिए आप जो है $29,000 खर्च करके एक्सेल सर्वर तो नहीं लेंगे ना। नहीं हम तो आर में को रीड कराते हैं और कंबाइन करते हैं। रीड होता है ना सर, डेटाबेस स्टोरेज पॉइंट तो कुछ होना चाहिए ना। हाँ रीड होता है सर, वो स्टोरेज नहीं होता आदमी। स्टोर कहाँ होगा? अब आर ले लीजिए चाहे एसक्यूएल ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, पाइथन ले लीजिए, आपको डेटाबेस तो चाहिए ना, डेटा स्टैक तो चाहिए ना आपको। तो उस केस में जो लोग जिनके पास डेटा मान के 10-15 लाख का डेटा है और ज्यादा बड़ा नहीं है, 10-15 लाख का डेटा है, ऑफलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन ज्यादा जाते नहीं है, तो उनके लिए एक्सेस अच्छा होता है। SME शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है जी सर। एक्सेस को सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे, उसके अलावा आप यहाँ पे कनेक्ट और अपनी एक्सेस की फाइल कुछ आप सिलेक्ट कर लें, तो आपकी एक्सेस की फाइल है उसको आप
सिलेक्ट करें यहाँ से। ना मेरे पास अटेंडेंस ये है, सिंपल इनवॉइस है, स्टॉक इन्वेंटरी डाउनलोड है, माफ कीजिएगा, इसमें आते हैं, इसमें हम डेटाबेस 10 को सेलेक्ट करते हैं, देन ओके। अब यहाँ पे अब उसकी एक्सेस की क्यूरी चाहिए या उसका टेबल चाहिए, अब पे डिपेंड करता है, समझे सर? क्यूरी चाहिए मतलब क्यूरी भी साथ में आएगी क्या? जैसे देखिए आपकी क्यूरी एक्सेस के अंदर कोई क्यूरी लिख रखा है आपने, तो उसको उसको भी रन करवा सकते हैं। अच्छा, कि मतलब एक्सेस के अंदर क्यूरी रन करके जो डेटा आएगा उसको इंपोर्ट करेगा, ठीक है? आपने इसको सिलेक्ट, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो तो आप लोड कर लो। इसमें सर वो स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं जिनके पास ये कॉर्पोरेट आईडी नहीं होती? उनको हम प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, वो अच्छा, आप अपनी आईपीटी से प्रोवाइड कर देते होंगे मतलब। ओके ठीक है, उसके बाद आप कनेक्टिविटी में देखेंगे, मोर में अगर जाते हैं। अब कनेक्टिविटी जो है वो सबके लिए नहीं है। अब जो डेटाबेसेस में जैसे कि आपका ओरेकल है, आईबीएम का है, सैप है, और भी बहुत सारे है डेटाबेसेस। अब ये डेटाबेसेस जब यूज करते तो यूज करेंगे ना सर। ऐसे आपका पावर बीआई का अपना प्लेटफॉर्म है, पावर बीआई का अपना डेटा सेट वगैरह आपने दे रखा है, वो है अजूरे। अगर आपने अजूरे से लाइनक्स होता है, अजूरे भी माइक्रोसॉफ्ट का है, तो वो आपके पास है, उसका यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज जैसे मैं बताया था कि ये रिकॉर्ड जो अब इंस्टॉल सिस्टम यहाँ चलता है, कुछ ऑनलाइन है जैसे सेल पॉइंट हो गया या माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो गया, तो ऐसे सर्विसेज को भी आप ले सकते हैं, जैसे सेल्स हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन सब का जो ऑनलाइन सर्विसेज है उसका यूज आप कर सकते हैं, है सर? इन सब पे क्या मतलब टेबल फॉर्म में तो डेटा आएगा ना? हाँ, डेटा टेबल फॉर्म पे आएगा, बट क्या है कि इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर नहीं है। हमने क्या बोला कि डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं तो वो डेटाबेस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, लेकिन जो वेब वर्जन डेटाबेस यूज करते हैं, वैसे डेटाबेस जिसको आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर से यूज करते हो ना, आप क्रोम खोल लिया, गूगल खोल लिया, उसे यूज करते हो, ऐसे डेटाबेस को तो आप ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू ही हो पाता है। तो अब उसका टाइप होता है कि सेल पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का डेटा है, या डायनेमिक नेव है, या डायनेमिक 365 बिजनेस है, तो ये आपके सारे यूज हो सकते हैं। तो सैप का तो शायद वेब वर्जन वाला होगा ना, क्योंकि सैप का जो वैसे हमने यूज किया है, होता है सर सैप मैंने काम किया है, लेकिन तभी मैं पूछा कि सैप का कोई यूआरएल लिंक नहीं होता जिससे वो डेटा पूल करेगा यहाँ पर, तभी इसलिए तो सॉफ्टवेयर है सर, सेलेक्ट करना होता है। हाँ, मतलब वेयर हाउस वेब एप्लीकेशन हो गया, वेब एप्लीकेशन सर्वर हो गया ना। अब अदर में जाते हैं तो यहाँ से आप इसे की पैथन हो गया। अच्छा, आप आपके आर की स्क्रिप्ट है, सिलेक्ट करके रन कर दीजिए। आर में आपने कुछ लिख रखा है ना, मान लीजिए कि जिससे डेटा कनेक्ट कनेक्टिविटी है, कोई ऐसा स्क्रिप्ट लिख रखा है, सिलेक्ट कीजिए और रन कर दीजिए, ठीक है? ये अपने आप वहां से उठा लेगा मतलब आर के, उसको आर की स्क्रिप्ट को फॉलो कर लेगा, पैथन स्क्रिप्ट है, पैथन स्क्रिप्ट को फॉलो कर देगा, हडूप फाइल है, हडूप फाइल को यूज कर सकते हैं यहाँ से, राइट सर? ठीक है। और किसी वेबसाइट के वेब पेज से लाना है तो ला सकते, तो पहली क्लास में बताया था आपको ना सर, हाँ वो तो वेब एड्रेस डाल के, तो डेटा कनेक्टिविटी हमारा यहाँ पे खत्म होता है, राइट जी। फिर भी आप अपने एंड से एक बार इसकी आरएनडी रिसर्च कर लीजिएगा, आपको लगा कि नहीं कुछ चीजें मिसिंग हो गई है, कुछ चीजों को पढ़ना है, समझ में नहीं आया, आप मुझे बताइएगा, हम पढ़ा देंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे अपना विजुलाइजेशन, हम एक एक विजुलाइजेशन को अप्लाई करेंगे, उसके बारे में समझाएंगे। विजुलाइजेशन खत्म होगा, देन हम यूज करेंगे डैक्स फंक्शन। उससे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना सर, पहले तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना, क्योंकि अपलोड होने के बाद देखिए क्या, अभी हमने डेटा कनेक्ट करना सीख लिया है, तो पहले हम इस विजुलाइजेशन को एक बार समझते, क्योंकि हमें डेटा ट्रांसपोजिशन मतलब कि जो पावर क्यूरी है उसमें क्या करना है डिपेंड करता है विजुलाइजेशन के ऊपर, किस विजुलाइजेशन के लिए किस तरह का डेटा चाहिए, उसी हिसाब से ट्रांसपोज पे काम करेंगे ना, ठीक है?
तो पहले हम डिविजिलाइजेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपका जो है डैक्स फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पावर क्वेरी में फॉर्मूले भी वर्क करते हैं, तो फॉर्मूला सीख लेंगे देन पावर क्वेरी यूज करेंगे। ठीक है मिल जाए जी, ठीक है सर, थैंक यू।